उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत 1 दिसंबर 2022 से राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन रंगारंग कार्यक्रमों के साथ एक बार फिर होने जा रहा है। यह मेला 1 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित होने जा रहे इस शिल्प मेले में देश के 22 राज्यों के शिल्पकार अपनी शिल्प उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे। साथ ही लोग विभिन्न प्रांतों के व्यंजनों का स्वाद शिल्प मेले में ले सकेंगे। ये शिल्प मेला प्रयागवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। इस हमारे इस आयोजन को जो राष्ट्रीय शिल्प मेला है, जिस तरह से इसको सम्मान मिल रहा है, ये अत्यधिक प्रसन्नता की बात है। और आज हमारे इस राष्ट्रीय शिल्प मेला का शुभारंभ है, जो कि आज से लेकर के 12 दिसंबर तक की चलेगा। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पूरे के पूरे कम से कम 450 कलाकार हमारे इस कार्यक्रम में, लगभग 22 प्रदेशों से कलाकारों का आगमन हुआ है। उसी तरह से हमारे पास 150 हस्तशिल्पकार आए हुए हैं, जो कि हिंदुस्तान के कोने कोने से आए, जो अपने हस्तशिल्प का यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ साथ बिक्री भी कर रहे हैं। और ये प्रातः 11 बजे से लेकर के शाम के 9 बजे तक की ये हमारा जो हस्तशिल्प मेला है खुला हुआ है हम सभी दर्शकों के लिए। और इसमें नाम मात्र को एक 10 रुपये का टिकट रखा गया है। तो हम ये चाहते हैं कि इस शहर में हमेशा जिस तरह से इस मेले को, हस्तशिल्प मेले को प्रोत्साहन मिलता रहा है, हम अपेक्षा करते हैं कि इस बार भी हमें प्रयागवासियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद अपने इन कलाकारों को और अपने इन हस्तशिल्पकारों को मिलेगा। मेले में हर दिन देश के कई राज्यों के लोक कलाकारों की रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होगी। मेले में खास तौर पर आदिवासी लोक शास्त्रीय, उपशास्त्रीय गायन और वादन के साथ ही नृत्यों से युवा पीढ़ी को जोड़ने की कोशिश की गई है। शिल्प मेला का उद्घाटन हो रहा है, इसके बारे में तो सबको बहुत बहुत बधाई है। हमारी प्रयाग जो हमारा प्रयागराज है, हमारी प्रयाग की धरती जो है, वो बहुत समृद्ध है कला के क्षेत्र में और बहुत समृद्ध है औद्योगिक मामले में बहुत समृद्ध है। तो मेरा ये संदेश है, चूँकि मैं महानगर अध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा अखिल भारतीय व्यापार मंडल में, तो मैंने ये संदेश देने की कोशिश किया है कि व्यापार और कलाकार दोनों कोई अलग नहीं है, दोनों एकदम एक ही विधा के साधक है। चूँकि दोनों में साधना की ज़रूरत होती है, यदि आप कलाकार हैं तो भी आपको साधना की ज़रूरत है, और बिना साधना के आपकी कला चढ़ नहीं सकती है। और यदि आप व्यापारी हैं तो बिना साधना के आपका व्यापार बढ़ नहीं सकता है। तो हम बींग एन आर्टिस्ट, मैं स्वाति निर्भी, बींग एन एंटरप्रेन्योर, में अपने दोनों विधाओं को मर्ज करने की मैंने कोशिश किया है और आगे भी ये प्रयास ऐसे ही जारी रहेगा। मैं इस बात के लिए वचनबद्ध हूँ कि मैं कभी भी भविष्य में किसी भी पद पे हूँ, किसी भी प्रतिष्ठा में, किसी भी पावर में होंगी, तो अपने कलाकारों के लिए और अपने महिलाओं के लिए हित में काम करने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। राष्ट्रीय शिल्प मेले में कर्नाटक का सिल्क सूट एवं अन्य उत्पाद, मध्य प्रदेश की हैंड एम्ब्रॉयडरी, यूपी, झारखंड, बिहार के सिल्क वस्त्र, शाल, जयपुरी रजाया, कई प्रदेशों के स्टोन ज्वेलरी, कई प्रदेशों की साड़ियां, हैदराबाद का मशहूर मोती, बंगाल की धान ज्वेलरी, चटाई, ड्राई फ्लावर, कई प्रदेशों के चर्म शिल्प, राजस्थान का स्टोन कार्विंग, मोजाइक ग्लास, टेराकोटा बर्तन, पंजाब की फुलकारी, जूती, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, भगवान के पोशाक, लकड़ी के खिलौने, चादरें मुख्य आकर्षण होंगे।